सो गाइस, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ एक बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिकल रिटन बाय आर ऑनरेबल फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर श्याम सरन। ये जो आर्टिकल मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि आई थिंक ये आर्टिकल आपको खुद भी एक बार न्यूज़पेपर से रीड करना चाहिए, या आप ये टैगलाइन अगर गूगल पे लिखेंगे तो आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। मैं ये फील करता हूँ कि आपको ये आर्टिकल खुद भी एक बार पढ़ना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज मैं आपको इसका पॉइंट टू पॉइंट हर चीज समझाऊंगा, मे बी आप कुछ मिस कर दें, बट इस आर्टिकल की हर लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द करंट जियोपॉलिटिक्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इन विच वी आर लिविंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने काफी वीडियोस में, इस चैनल की वीडियोस में देखा होगा कि मैं हमेशा आपको यह आर्टिकल किसी क्वेश्चन से शुरू करता हूं, उस क्वेश्चन के आंसर्स हम आर्टिकल से ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है, हम आर्टिकल पहले पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमें दोबारा आर्टिकल पढ़ना पड़ता है, फिर कोरिलेशन बनाते हैं, तो इसमें काफी टाइम वेस्ट होता है। तो हम इसे थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस से करेंगे। आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट टू फाइंड आंसर्स। एक बहुत ही बड़ा एसे का इसमें क्वेश्चन बनता है, लेट मी टेल यू कि एसे का इसमें क्वेश्चन बनता है गाइस। सिंपली अ वेरी ब्रॉड टॉपिक आई एम सेइंग, नेबरहुड फर्स्ट, दैट्स ऑल, दिस कैन बी एन एसे टॉपिक। ओके, अगर हम इसे यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन के हिसाब से देखें, देन इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हुए, व्हाट डू यू थिंक थिंक अबाउट द करंट चैलेंजेस एंड इट्स सॉल्यूशंस इन India's neighborhood first policy. Guys, after checking out the video, kindly give your answers in the comment section of this question. I'll repeat the question, that is, what do you think about the current challenges and its proposed solutions in India's neighborhood first policy? This article can be related with international economy, वहां से यहां से एक दो पॉइंट मिल सकता है आपको, और ये आर्टिकल आप पॉलिटिकल साइंस में तो ऑब्वियसली यूज कर ही सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई जियो पोलिटिकल क्वेश्चन आ जाए तो इसमें ऐसे का फॉर्डर भी बहुत है, जैसे मैंने ऐसे ही एक टॉपिक बना दिया, नेबरहुड फर्स्ट, ठीक है? और अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछ ले, सो एक बेसिक सा क्वेश्चन है गाइस, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सार्क एंड बिमस्टेक। और जब यहां से बात शुरू होती है किसी क्वेश्चन की किसी इंटरव्यू में, तो ये बहुत लंबी जाती है इफ यू आर गुड इनफ। ओके, अगर आप आईएफएस की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, तो ये आर्टिकल आपकी हेल्प कर सकता है। आई थिंक सो। ओके, सो यहां पे ले देता हूं मैं, नेबरहुड फर्स्ट। ओके, लेट मी स्टार्ट विद द आर्टिकल डायरेक्टली नाउ गाइस। एक तो मैंने आर्टिकल पहले समझाया था, एक डिजास्टर डिप्लोमेसी का मैंने टॉपिक लिया था कुछ 3-4 दिन पहले, आप उससे भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और ये एक कीवर्ड भी हो सकता है आने वाले टाइम में जिसको आप यूज कर सकते हैं इन योर मेंस आंसर फॉर्मिंग। ओके, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, मैं इसकी हेडलाइन से या सब हेडलाइन से शुरू करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडलाइन में क्या, गोइंग रीजनल, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इंडियाज नेबर्स रिलेशंस, ठीक है? सेकंड, इसकी सब हेडलाइन में क्या लिखा, COVID-19 नजेज इंडिया टू परस्यू रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन थ्रू बोथ, बोथ इज द कीवर्ड गाइस ओवर हियर,
आपको जब मैं आर्टिकल ये पूरा समझा दूंगा तो आपको इस वर्ड की वैल्यू समझ आएगी यहां पे क्या है, ठीक है, थ्रू बोथ सार्क एंड बिमस्टेक। एज द नेम इंप्लाइज गाइस, यू मस्ट नो व्हाट इज सार्क, कौन कौन से देश आते हैं सार्क में, बिमस्टेक क्या है और कौन कौन से देश आते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं, पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दूं ताकि आप क्लियर रहें। गाइस सार्क में ना ये वाले एरियाज आते हैं, ठीक है। अब ये एरियाज में अगर मैं यहां से शुरू कर लूं तो क्या आएगा, अगर मैं इसकी बड़ी पिक्चर ले लेता हूं थोड़ी सी, ओके, तो ये सार्क कंट्रीज है गाइस, दिस इज अफगानिस्तान, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज इंडिया, नेपाल एंड देन आई थिंक भूटान, कई बार गलत भी बन जाता है गाइस, ठीक है, श्रीलंका, सॉरी बांग्लादेश, मैंने बांग्लादेश पूरा लिया था, कहीं भूटान में कंफ्यूज मत हो जाएगा। देन वी हैव श्रीलंका एंड समवेयर हेयर वी हैव मालदीव्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो दीज 8 कंट्रीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, दीज आर द 8 कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। आप कह रहे होंगे मैं ये फुल फॉर्म्स क्यों लिख रहा हूँ, ये तो हमें पता ही चल जाएगा, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को भी उनके बारे में सोच रहा हूँ जिनको, जो ये वीडियोस पहली बार देख रहे हैं और नए हैं इस पूरे यूपीएससी के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रोसेस में, ओके गाइस। तो जो वेटरन्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा हम्बली लेके चलें। देन गाइस एक ये मैंने विकीपीडिया से लिया है, अगर आपको याद करना हो, ये थोड़ा ईजी करने के बजाय मुझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा कि सार्क में कौन कौन से कंट्रीज हैं, बिमस्टेक में कौन कौन से हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल बन सकता है गाइस, कि सार्क अगर और बिमस्टेक में अगर डिफरेंस करना हो तो सार्क में ना तीन जो हमारे पास हैं, मान लीजिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव्स, ठीक है, ये जो है ये बिमस्टेक में मालदीव्स तो है लेकिन हमारे पास ये नहीं है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये बेसिकली बिमस्टेक में नहीं है, ओके। बट बिमस्टेक में और क्या है, थाईलैंड एंड म्यांमार इज इन बिमस्टेक, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं मैं गलत राउंड ना मार दूं, ठीक है, कि आई एम नॉट गुड विद फ्लैग्स, ठीक है। तो बिमस्टेक में बेसिकली बिमस्टेक और सार्क में एक ही मेजर दो डिफरेंसेस हैं कि बिमस्टेक में वी हैव म्यांमार एंड थाईलैंड एंड सार्क में वी डोंट हैव म्यांमार एंड थाईलैंड, पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, सार्क में वी हैव अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर कॉमन। अब देख ही रहे होंगे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड इंडिया, दीज 5 कंट्रीज आर कॉमन इन बोथ बिमस्टेक एंड सार्क, ओके। बट बेसिक डिफरेंस क्या है कि बिमस्टेक में म्यांमार और थाईलैंड है, मूविंग ऑन टू बे ऑफ बंगाल वाला रीजन, और सार्क में गाइस वी हैव अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, वी डोंट हैव म्यांमार एंड थाईलैंड इन सार्क। सिमिलर अफगानिस्तान पाकिस्तान बिमस्टेक में भी नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा बिमस्टेक के बारे में पढ़ लेते हैं, ये मैंने बिमस्टेक की वेबसाइट से ली है। तो इसमें बेसिकली वो क्या बताते हैं कि सबसे पहले बिमस्टेक का मीनिंग क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इट्स अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, गाइस इन वर्ड्स के मीनिंग है। अब इस लाइन में दो कीवर्ड्स, एक तो बे ऑफ बंगाल है, दूसरा रीजनल है, ठीक है। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या है कि जो बिमस्टेक के कंट्रीज है ना, वो बे ऑफ बंगाल के मतलब 3-3.5 तरफ है। मैंने ये क्यों लिया, देखो श्रीलंका है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ठीक है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ठीक है, वी हैव मालदीव समवेयर हेयर, ठीक है, एंड तो
नेपाल और भूटान भी इसमें बाद में एडिशन हुए थे, ठीक है. तो हाउ मेनी कंट्रीज वी हैव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इज लेट्स से यहाँ पे मान लेते हैं मालदीव्स, ठीक है. तो ये 8 कंट्रीज हैं. तो पहले ये क्या होता था गाइस, पहले ये बिमस्टेक होता था जिसमें क्या कहते हैं बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड. देन इसमें क्या हुआ कि म्यांमार जुड़ा, ठीक है, और म्यांमार के जुड़ने के साथ बाद में नेपाल और भूटान भी जुड़े. यहीं लिखा होगा कहीं कि बाद में नेपाल और भूटान भी इसमें जुड़ गए. ओके, सो गोइंग ऑन कि बे ऑफ बंगाल के जो लिटोरल एरियाज गाइस, जहां पे पानी का मतलब ये जो एरियाज होते हैं ना गाइस, इन गाइस को लिटोरल स्टेट्स बोला जाता है, जो उस पानी की जो बॉडी है उसके साथ साथ लगते हैं. ऐसे ही वी हैव, अगर आपने सुना हो प्रोजेक्ट मौसम है एक, ठीक है, अगर आपने सुना हो इसका क्वेश्चन भी आता 2014-15 में मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, प्रोजेक्ट मौसम क्या है, ठीक है. तो दीज आर गाइस लिटरल स्टेट जो पानी की बॉडी के साथ साथ लगते हैं जो कंट्रीज, ठीक है. अरे जैसे एरिया तो बे ऑफ बंगाल, जैसे मैंने बताया जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये 6 जून 1997 को आई विद द हेल्प ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पूछा जाता है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन हुआ, दैट इज बिमस्टेक, ठीक है. फिर इसमें 8 कंट्रीज मैंने पहले ही बता दिया. दो स्पेशली यहाँ पे एक चीज बताई गई कि जो दो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं म्यांमार एंड थाईलैंड, विच आर एक्सक्लूसिवली इन बिमस्टेक बट नॉट इन सार्क, ठीक है. अब ये गाइज एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, पहली बात तो यहाँ से बात शुरू हुई थी, आगे ये बढ़ता गया धीरे धीरे और चीजें भी हम इसमें जोड़ते गए, बट शुरू में इट वॉज एन इकोनॉमिक ब्लॉक, ठीक है. देन वॉट हैपन, किसमें म्यांमार की इंक्लूजन कर दी गई 22 दिसंबर 1997 को, ठीक है. तो मतलब कुछ खास टाइम नहीं, 6 महीने में म्यांमार गया था, मुझे भी इसमें लो, ठीक है. तो एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई बैंकॉक में जिसमें म्यांमार को ऐड किया गया. अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको सब कुछ क्यों बता रहा हूँ गाइस, इसके 2-3 रीजन है. पहला रीजन तो ये है कि ये आर्टिकल से इंपॉर्टेंट है, सेकेंडली बिमस्टेक से हर पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है. और ये जो बिमस्टेक है ना, अगर आपको एक बार पढ़ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं. देन अगर आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्रॉपरली पता होगा ना, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनी. सिर्फ ये नहीं होता कि उनकी जो मतलब कंट्रीज हैं वो डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये तो एक बेसिक रीजन है. इसके आगे रीजंस ये होते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई. जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है जो, वो इकोनॉमिक ब्लॉक की वजह से बनाई गई, ठीक है. ये जो इकोनॉमिक ब्लॉक इसका बेस था. सो ऐसे ही अलग अलग, जैसे TPP है, दैट इज ऑल्सो FTA, ठीक है, जो US की तरफ से इनिशिएटेड था. RCEP है, ठीक है, दैट इज अ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का वो फ्री ट्रैवल, सॉरी हमारा FTA, ठीक है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है. सो ऐसे हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बेस होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों फॉर्म की जा रही है, इसलिए हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है. मैं इसलिए ये आर्टिकल लेके आया हूं जिसमें आपको सारी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रीफ, एंड देन वील गो विद द आर्टिकल, ओके. सो अगर आपको इन चीजों के बारे में पता है, यू कैन डायरेक्टली स्किप टू द आर्टिकल, ओके, वो मैं जो बताने वाला हूं. देन अब क्या है इस आर्टिकल, मूविंग ऑन टू दिस अगेन, कि जब बिमस्टेक बन गया, इसमें म्यांमार को ऐड कर लिया गया, तो इसका नाम बिमस्टेक से हमने बिमस्टेक रखा और उसकी इन फुल फॉर्म चेंज की बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, SSC वगैरह में डायरेक्टली बिमस्टेक की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, वेरी इजी, ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ, नेपाल और भूटान को मैंने कहा था लिखा हुआ है, नेपाल और भूटान को 6th मिनिस्ट्रियल मीटिंग में ऐड किया गया 2004 में, ठीक है. फिर इसका नाम भी चेंज किया गया, जो कि अब बिमस्टेक के नाम से रखा गया, फुल फॉर्म ये हुई. अब गाइस इसमें क्या कहा गया कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया को रिप्रेजेंट करती है और उनमें ब्रिज क्रिएट करती है. गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ कंट्रीज कौन सी हैं और साउथ ईस्ट एशिया किसे बोलते हैं, ठीक है. इंडिया है ना जो गाइस, वो साउथ में आता है बेसिकली, लेकिन उसका जो इक्वेटोरियल से ये वाला पार्ट है दैट कन्वर्ट, और अंडमान एंड निकोबार वाला जो एरिया है दैट कम्स एट साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है. देन
अब इसमें क्या कहा, बिमस्टेक का एक इंटर रीजनल कॉपरेशन है किस किस के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बिटवीन सार्क एंड आशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और जो मैंने जैसे मैंने बताया था सार्क के बारे में, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, सो दिस इज रिगार्डिंग टू साउथ एशिया एंड दिस इज साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो इसके बीच में एक ब्रिज बनाता है, आशियान कंट्रीज और सार्क के बीच एक ब्रिज बनाता है बिमस्टेक, ओके। इनकी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है मैक्सिमम तो ऑब्वियसली इंडिया से आरईएस में 22% टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन है, $2.7 trillion की इकोनॉमी, जिसमें 1.4 trillion तो इंडिया का ही है, ठीक है। और इसकी एवरेज जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.5%, आपको इस तरह बीच में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर कभी भी बिमस्टेक के बारे में पूछ ले तो यू मस्ट नो, ठीक है, कि 6.5 इनका एवरेज, ये कम ज्यादा होता रहता है, जैसे कि अब इससे तो कम ही है 6.5 से। तो अब ये क्या कहा गया कि ऑब्जेक्टिव क्या था बिमस्टेक का, बिमस्टेक है जो गाइस वो ऑब्वियसली म्यूचुअल कॉपरेशन तो होना चाहिए और कॉमन इंटरेस्ट होने चाहिए सारे कंट्रीज के जिसपे काम होगा, ठीक है। तो पहली बात तो मिटिगेटिंग दी ऑनस्लॉट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कई लोग ये समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हुई क्योंकि कंट्री साथ में आ गए, ऐसा नहीं है गाइस, ये एक रीजनल कॉपरेशन है जहां से ये सारी बात शुरू हुई थी, ठीक है, ये एक रीजनल कॉपरेशन है। एंड देन अब क्या है कि इसे जो ग्लोबलाइजेशन है उसके जो ऑनस्लॉट हो रहा है, ठीक है, कि सारे कंट्री इकट्ठे करके अपना 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 एफटीए बना रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हमने अपना एक रीजनल कॉपरेशन बनाया कि अगर कोई और रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, हमारे एरिया की जो कॉमन इंटरेस्ट है उन्हें हैम्पर करता, तो हम एक रीजनल फोरम बनाए ताकि हम उस रीजनल फोरम से के आगे खड़ सके और उसे क्या कहते हैं चैलेंज आउट कर सके, ओके। सो ये भी है रीजनल कॉपरेशन वर्सेज अनदर रीजनल कॉपरेशन। सो अब क्या है कि भाई रीजनल रिसोर्सेज यूज करेंगे, ज्योग्राफिकल एडवांटेज यूज करेंगे। अब ज्योग्राफिकल एडवांटेज में अगर आपने सुना हो कि इंडिया है जो वो म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश और भूटान BBIN करके एक बना रहे थे हम, ठीक है, लास्ट ईयर आई वॉज थिंकिंग अबाउट की जो सॉरी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इसके बीच में एक रोड नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं हम, ठीक है, और कुछ पोर्ट्स भी क्रिएट कर रहे हैं म्यांमार, सितवे पोर्ट वगैरह के पास, ठीक है। एंड नाउ अब इसमें क्या आ गया, आगे बिमस्टेक सेक्टर ड्रिवन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सेक्टर ड्रिवन का क्या मीनिंग है, कुछ सेक्टर्स पहले इंक्लूड करेंगे, जैसे कि पहले इकोनॉमिक ब्लॉक की बात की थी, ठीक है, उसके बाद हमने इसमें क्या क्या इंक्लूड किया, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरीज, फिशरीज बिकॉज ऑफ बे ऑफ बंगाल, टूरिज्म हम नियर बाय कंट्रीज के जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा रोड, ब्रिजेस, नेटवर्क, रोड, रेल या मल्टी मॉडल जो बनाएंगे, गाइस मल्टी मॉडल में मॉडल ना ये वाला होता है, ये वाला नहीं, इस मॉडल का मीनिंग होता है मोड, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे रेल, रोड, ठीक है, एयर, तो बहुत सारे होते हैं, तो ब्रिजेस बनाना, काकीनाडा पोर्ट बनाना, ऐसे बहुत सारे कुछ है, ठीक है, फॉर सेक्टरल कोऑपरेशन इन लेट 1997, ठीक है। तो पहले तो हमने ये शुरू किया था इन सेक्टर से, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज। देन वी हैव मूव्ड ऑन टू, हमने क्या क्या इंक्लूड कर दिया, बेसिकली एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म जो आज का बज वर्ड है, और ये एनवायरमेंट जिसमें क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, ठीक है, कल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज, ये 2008 में हमने इंक्लूड किए। अब ये 2008 में क्यों इंक्लूड किया, उस टाइम क्या चल रहा था गाइस, ग्लोबल मेल्टडाउन चल रहा था बिकॉज ऑफ हेज फंड जो कोलैप्स हो गए थे यूएस में, तो ग्लोबल रिसेशन आ गया था, तो उस चक्कर में पॉवर्टी एलिवेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, इनके इश्यू सामने आए, तो हमने ये भी इंक्लूड किए कि रीजनली हमें ये इंपॉर्टेंट है तो इसको इंक्लूड करो, ओके गाइस, बिमस्टेक की आप सारी बात समझ गए। और एक और बात जो आपको टेक्निकली समझनी चाहिए कि बिमस्टेक में जो हाई हैंड है ना वो इंडिया पे, वो कैसे, अब जैसे $2.7 trillion इकोनॉमी में इंडिया का ही $1.4 trillion है, उसके बाद जो 7 कंट्रीज बचकी उनका टोटल करके 1.3 बनता है, ठीक है, तो इंडिया हैज ए हैवी हैंड, ये हमें मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए। देन अब क्या है कि पहली बात तो इकोनॉमी की बात होगी, दूसरी बात जो इसमें पॉपुलेशन है, 22% पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, आई थिंक अराउंड
14 to 14.5% जो पॉपुलेशन है इन बिम्स्टेक इज फ्रॉम इंडिया ओनली, जिसको हम कोलैबोरेट कर रहे हैं. तो मेजर मार्केट इंडिया ही है इसमें, ठीक है. तो एक बात तो ये आपको याद रखनी है. बट जो और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें पाकिस्तान नहीं है, ठीक है. जब इसमें पाकिस्तान नहीं है, हमारा कोई जब दुश्मन अगर मानते हैं तो कोई एडवर्सरी नहीं है, ठीक है, एडवर्सरी रियल कंट्री नहीं है, तो वी हैव अ हैवी हैंड इन बिम्स्टेक. अब मैंने ये बैकग्राउंड आपको क्यों दिया, इसका पूरा रिलेशन है इस आर्टिकल से. अभी मैंने आपको बिम्स्टेक और सार्क बता दिया, ठीक है. आगे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में होंगी उसके भी बारे में बात करेंगे. नाउ स्टार्टिंग विद द आर्टिकल. अब प्राइम अब ऑनरेबल श्याम सरन जी कहते हैं कि इंडिया ने ना, पता क्या हुआ था गाइस, 2017 में पाकिस्तान ने कहा, मैं आपको इसका पहले बैकग्राउंड देता हूं. 2017 के करीब गाइस पठानकोट और उरी में इंडिया के अटैक हुआ, जिसमें हम ऑब्वियसली पाकिस्तान को दोषी मानते हैं. और 2017 में जो 19th सार्क समिट था ना, वो पाकिस्तान ने होस्ट करना था. तो इंडिया ने सोचा था कि वील आइसोलेट पाकिस्तान. तो उस टाइम इंडिया ने सार्क समिट अटेंड करने से मना कर दिया था. पॉइंट नंबर वन, ये बैकड्रॉप है, ठीक है. तो जब इंडिया ने मना कर दिया तो इसको लेके ही चलते इंडिया और कंट्रीज ने भी, जो सार्क की और कंट्रीज हैं, ठीक है, उन्होंने भी मना कर दिया कि वी विल नॉट अटेंड दिस सेशन. और सार्क के जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस होती थी वो इनडेफिनेट टाइम के लिए पोस्टपोन कर दी गई, जो कि आज तक उसकी मीटिंग नहीं हो पाई है, 3 साल हो गए करीबन, ठीक है. जब ये फ्रीज्ड सिचुएशन में चला गया है पिछले 3 साल से, और प्राइम मिनिस्टर ने COVID-19 जो ये कोरोना वायरस चल रहा है इसके बैकड्रॉप में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सार्क के कंट्रीज के लीडर के हेड को, मतलब लीडर्स को और हेड ऑफ स्टेट्स को और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स को वीडियो सबमिट के लिए इनवाइट किया कि हम कोलैबोरेटिवली कोई अप्रोच क्रिएट करते हैं ताकि इस कोरोना वायरस के पैंडमिक से फाइट आउट किया जा सके. ओके, ये तो था पूरा, मैंने बैकड्रॉप समझाया कि सार्क फ्रीज में चला गया था, क्यों चला गया था वो बताया, ठीक है. और प्राइम मिनिस्टर ने अब जब सार्क को कॉल किया है, ठीक है, तो इट्स अ चेंज इन इंडियाज रिजेक्शन ऑफ सार्क, ठीक है. तो सार्क भी एक रीजनल कोऑपरेशन की एंटिटी है, तो पहले हमने डिफ्रीज में था तो अब इंडिया ने उसे इन्वाइट किया है, तो इट्स अ चेंज इन इंडियाज रिजेक्शन ऑफ सार्क एज ए प्लेटफॉर्म फॉर रीजनल कोऑपरेशन. पहली बात तो ये कि वी हैव प्रोजेक्टेड अ टिल्ट इन आवर रीजनल कोऑपरेशन टुवर्ड्स सार्क. ओके, पहली बात तो ये. अब उसके बाद क्या हुआ कि अब सार्क में क्या, अब जब सार्क का हमने डाउनग्रेड कर दिया था 2017 में, धीरे धीरे हमने उस एज ए रीजनल कोऑपरेशन फोरम हमने सार्क को डाउनग्रेड कर दिया इन आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है. जो हमारी इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बनाई गई है उसमें हमने सार्क को डाउनग्रेड कर दिया फॉर रीजनल कोऑपरेशन. अब एक चीज को डाउनग्रेड किया है तो अब हमें कहीं और से फायदा तो होना ही चाहिए ना, तो उसके लिए हमने एक ऑल्टरनेटिव क्या ढूंढा था, वील गो विद बिम्स्टेक, ठीक है. सार्क से ना जाके बिम्स्टेक से जाएंगे. क्यों जाएंगे, क्योंकि बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, ठीक है. और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल इसमें क्या कहना है कि जब हमारे जो ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर बने इन 2019, तो उन्होंने कहा कि सार्क हैविंग सर्टन प्रॉब्लम्स, ठीक है, बट बिम्स्टेक इज हैविंग द काइंड ऑफ एनर्जी एंड हैविंग द कॉमन इंटरेस्ट विद इंडिया. तो ऑब्वियसली उनका ये सिग्नल था कि हम वील गो विद बिम्स्टेक रादर देन सार्क. तो उन्होंने एक एंटिटी प्रोजेक्ट की, सार्क वर्सेस बिम्स्टेक, ठीक है. पहली बात तो ये, तो जब सार्क वर्सेस बिम्स्टेक एंटिटी हम फॉलो कर रहे हैं तो उसी के तहत 2014 में फॉर पीएम स्वीयरिंग इन सेरेमनी, जब वो पीएम बने मोदी जी, तब क्या हुआ, तब उन्होंने सार्क के लीडर्स को कॉल किया था
इंक्लूसिव ऑफ पाकिस्तान, बट इन 2019 क्योंकि 2017 में हमने सार्क को डाउनग्रेड कर दिया, तो इंस्टेड ऑफ सार्क मोदी जी हैव इनवाइटेड बिमस्टेक टू हिज स्वीयरिंग इन सेरेमनी, ठीक है। तो हमने एक चेंज शिफ्ट किया कि हाँ जी हमारी पॉलिसी में नेबरहुड पॉलिसी में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में थोड़ा शिफ्ट है, ठीक है। तो पिछले 3 साल से जो ये बैकड्रॉप बन रहा है, बट नाउ अगेन वी हैव कॉल्ड फॉर द सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंस रादर देन गोइंग फॉर बिमस्टेक वीडियो कॉन्फ्रेंस। सो वी हैव डेलिबरेटली मेड दिस पॉलिटिकल मूव कि मैसेज जाए सारी कंट्रीज को कि हम एक सार्क को भी हमने पूरा फ्रीज आउट नहीं किया है। इंडिया वॉन्ट्स कि सार्क के जो रीजनल फोरम है उसके दोबारा रीइग्नाइट किया जाए जो पिछले 3 साल से एक तरह से बंद पड़ा है, ठीक है। देन अब जो ये कॉन्फ्रेंस हुई सार्क की, इसमें क्या क्या हुआ कि जो कोरोना वायरस है, ठीक है, उसको कैसे हम सॉल्व आउट करें। तो जो एक सार्क बेस्ड COVID-19 फंड बनाया बनाने की प्रपोजल रखी इंडिया ने, जिसमें इंडिया $10 million के करीब अपनी फंडिंग देना चाहता है। देन जो सार्क का डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है दैट इज इन ढाका बांग्लादेश, तो उसमें भी इंडिया ने कहा कि उसे हमें यूज करना चाहिए टू फाइट आउट दिस पेंडेमिक, ठीक है। और एक और जो नई बात आ रही है सामने कि जो सार्क कंट्रीज के हेल्थ मिनिस्टर्स हैं इनकी भी एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसको सभी ने अप्रूवल दिया, सारे हेड्स ऑफ स्टेट ने, और मे बी दिस विल कन्वीन सून, ठीक है। देन अब मैंने जैसे यहां पे शुरुआत में बात की थी डिजास्टर डिप्लोमेसी की, ठीक है। तो डिजास्टर डिप्लोमेसी का क्या मीनिंग है कि डिजास्टर अभी करंटली हमारे पास क्या है, कोरोना वायरस का पेंडेमिक, ठीक है। और इस डिप्लोमेसी का एक हमारे पास करंटली इस डिप्लोमेसी डिप्लोमेटिक एरेना में एक अपॉर्चुनिटी क्या है गाइस कि वी कैन रिवाइव सार्क, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन रिवाइव सार्क इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस डिजास्टर दैट इज कोरोना वायरस, ओके। दैट इज कॉल्ड एज डिजास्टर डिप्लोमेसी अपॉर्चुनिटी, ओके। दैट इज अ पॉजिटिव आउटकम ऑफ द डिजास्टर जिसमें हम ब्लेसिंग इन डिसगाइज बोलते हैं। बट अब सार्क को रिवाइव कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो इसका मिनिस्ट्री से हमारे पास एक ही रिस्पॉन्स आया, दैट इज कॉल्ड एज कि अभी ये प्री मेच्योर थॉट प्रोसेस है कि आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि जब मोदी जी ने इनवाइट किया सभी सार्क मेंबर्स को, तो पाकिस्तान के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी जगह अपने जो मतलब हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनको भेज दिया कि वो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, और उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए ऑन कश्मीर जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मतलब एक राइटली इग्नोर कर दिया। तो अगर तो पाकिस्तान सार्क को जब इंडिया अब इंडिया रिवाइव करना चाहता है, पहले तो क्या था 2017 में कि वर्ल्ड में ये मैसेज किया कि इंडिया सार्क को डाउनग्रेड कर रहा है एज अ रीजनल फोरम, बट जब अब इंडिया सार्क को दोबारा रिवाइव करना चाहता है और पाकिस्तान बैकड्रॉप पे है, वो सार्क को रिवाइव वो कह रहा है कि हम इंडिया के साथ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बिकॉज रिसेंटली व्हाट हैड हैपेंड एज यू ऑल माइट नो कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया इन जम्मू एंड कश्मीर, और पाकिस्तान ने उसे डिनाउंस कर दिया कि ये जो भी हुआ ये एब्रोगेट नहीं करना चाहिए था, ठीक है, ये मतलब कि कश्मीरियों के साथ गलत हुआ, ऐसी कुछ बातें कही जा रही हैं पाकिस्तान के द्वारा। तो अगर तो पाकिस्तान इस फॉरन फोरम पे इंडिया के साथ जाता है, चाहे वो इंडिया कोरोना वायरस के बारे में भी बात कर रहा हो, तो उनका अपना स्टैंड अपनी कंट्री में मतलब वो कहते हैं डगमगाता है, ठीक है, कि वी शुड नॉट गो विद इंडिया बिकॉज उन्होंने रिसेंटली आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया और हमने उसे मना भी किया कि मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट अब ओनस क्या है कि जब सार्क को डिनाउंस करना, नॉट डिनाउंस कि सार्क को डाउनग्रेड करना, इंडिया ने डाउनग्रेड किया, ये मैसेज आ रहा था 2017 में, बट अब क्या जा रहा है, अब मैसेज आ रहा है कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डाउनग्रेड सार्क बिकॉज वो इंडिया के साथ
एक प्लेटफॉर्म पे अपने व्यूज प्रॉपरली शेयर नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो और पाकिस्तान को डिफेंसिव होना पड़ा, उनके पास भी एक ये डिलेमा है बहुत बड़ा, उन्हें ये डिफेंसिव होना पड़ा और बात करनी पड़ी कश्मीर के बारे में, जबकि बात कोरोना वायरस के पैंडेमिक को हल करने की चल रही थी। एक तो बात ये, अब जहां से हमने ये शुरू किया था कि सार को डाउनग्रेड किया गया 2017 में एंड वी हैव गॉन विद दिस बिमस्टेक, तो मान लीजिए हम बिमस्टेक के साथ चले गए, तो बिमस्टेक में अब ऐसे क्या इश्यूज आ रहे हैं कि हमें सार को रिवाइव करना पड़ा? ये भी बात है ना कि हम वापस क्यों आ रहे हैं। तो बात यह है, पहली बात तो कि इंडिया की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल नहीं हो पाई बिमस्टेक के साथ। अब वो क्या एक्सपेक्टेशंस थी? पहली बात तो कि जो बिमस्टेक है, इंडिया ने सोचा कि उसमें पोटेंशियल है अराउंड $250 बिलियन की ट्रेड होने का, ठीक है। बट हुआ कितना? सिर्फ अभी तक 3 सालों में $40 बिलियन का ट्रेड हुआ है। इट्स अ ह्यूज गैप, $210 बिलियन का गैप गाइस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा रोल था, उसमें नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा रोल था। बट करंटली अब क्या है कि नॉर्थ ईस्ट एक पॉलिटिकल टर्मोइल में जा चुका है, ठीक है। और जब नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिकल टर्मोइल में जा चुका है तो इंडिया ने क्या किया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जो, उससे हमने ऑप्ट आउट कर लिया, हम बाहर आ गए। कब बाहर आए थे गाइस? अराउंड November 2019, ये पिछले साल की बात है। हमने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से, हम पहले इसके मेंबर थे, अब उसमें से हमने ऑप्ट आउट कर लिया, ठीक है। अब श्याम शरण जी का कहना है कि अगर हम आरसीईपी में रहते, ठीक है, तो वो बिमस्टेक प्लस आरसीईपी हमारे ट्रेड को भी इंक्रीज करती। आरसीईपी एक तरह का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, ठीक है, बिटवीन काइंड ऑफ साउथ एशियन या इंडोनेशियन कंट्रीज, ठीक है ना। वो अब मैं यहां पे आपको आरसीईपी की बात बताऊंगा, लेकिन अभी बैकड्रॉप मत छोड़ना। बैकड्रॉप ये था सार्क वर्सेस बिमस्टेक, ठीक है। लेकिन हमने जब सार्क को डाउनग्रेड किया तो हम भी बिमस्टेक के साथ गए, लेकिन बिमस्टेक से हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो पाई। अब ना पूरी होने के चक्कर में पहली बार हमने ट्रेड की, दूसरा नॉर्थ ईस्ट की, और तीसरा कि हम आरसीईपी से ऑप्ट आउट हो चुके, जो कि हमें हेल्प कर सकता था बिमस्टेक में हमारे ट्रेड को इंक्रीज करने में या जो भी हमारे कंसर्न्स हैं उन्हें फुलफिल करने में। लेकिन अब मैं आपको यहां से लेके जा रहा हूं एक नए मोड पे, दैट इज कि आरसीईपी क्या है और हमने ऑप्ट आउट क्यों किया, ठीक है। तो अब क्या है कि आरसीईपी है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब ये एक तरह का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था, कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है, इसकी कुछ कंट्रीज ये सोचती हैं कि हम अपने आप में एक रीजनल मतलब वो बना लेते हैं रीजनल फोरम सा, जिसमें फ्री ट्रेड होगा। फ्री ट्रेड का मीनिंग कि जैसे हमारे इंडिया में एक कंप्यूटर ₹1000 का बन रहा है, मान लो ₹10000 का बन रहा है, और दूसरी कंट्री में, कंट्री ए में मान लीजिए, वो एग्जांपल देता हूँ, हाँ, इंडिया में कोई कंप्यूटर है जो 10K का बन रहा है, ठीक है। और जब हम दूसरी कंट्री ए में उसे एक्सपोर्ट करते हैं, वी सेल इट अराउंड 15K, सब कस्टम ड्यूटी वगैरह सब कुछ मिला के, ठीक है। तो अगर हम कोई भी FTA कंट्री होगी हमारी, ठीक है, उसमें FTA में बहुत सारी कंट्रीज होंगी, मान लीजिए एक्स कंट्री, वाई कंट्री, जेड कंट्री, हम एक प्राइस तय कर लेंगे कि सभी कंट्रीज को मैं 12,000 का बेचूंगा, ठीक है। तो कॉमन एक पार्टनर इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो जाती है कि जो आइटम्स के बेसिस पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है सबको मैं सेम प्राइस पे बेचूंगा, किसी से ऐसे नहीं है कि मेरी वाई से ज्यादा बनती है या एक्स से ज्यादा कंट्री से बनती है तो मैं इनको सस्ता बेच रहा हूँ, जेड को महंगा बेच रहा हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। मतलब इसका ये है कि जो कस्टम ड्यूटीज हैं या एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैं या इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं वो मैं कम से कम लगाऊंगा उन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स पे जिन कंट्रीज के साथ मेरा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि ताकि उनके जो कंट्री के प्रोडक्ट्स हैं मेरी कंट्री में और मेरी कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उन कंट्रीज में प्रॉपरली बिक सके या हम एक दूसरे की मार्केट्स को यूटिलाइज कर सकें उस चीजों को बेचने के लिए,
ठीक है। सो ये मैंने एफटीए के बारे में आपको समझा दिया। अब क्या है कि इंडिया ने 2019 में, नवंबर 2019 में क्यों आरसीईपी से ऑप्ट आउट किया। आरसीईपी में पहले आप स्पेशली देखें, मैंने जब विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन ली है, आसियान प्लस 6 एक्सक्लूडिंग इंडिया, पहले यहां पे आसियान प्लस 7 था, इंडिया इसका पार्ट था, ठीक है। तो इसलिए अब इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इसलिए एक्सक्लूडिंग इंडिया लिखा है, ठीक है। तो ये 10 आसियान के मेंबर्स हैं, ठीक है, 10 मेंबर्स ऑफ आसियान, एंड ये 3 एडिशनल ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, और ये 2 और कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये बेसिकली 15 जो कंट्रीज हैं, ये पार्टीज हैं अब आरसीईपी की, ओके। सो दिस इज द बैकड्रॉप। तो अब मैं बताता हूं कि नवंबर 2019 में इंडिया ने क्यों ऑप्ट आउट किया। इंडिया के गाइस कुछ कंसर्न्स थे, तो वो कंसर्न्स क्या थे कि एक तो जो डेयरी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है और सर्टेन टेक्सटाइल सेक्टरों से बाहर रखो। क्यों? क्योंकि गाइस जो एक्चुअली न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, अगर आपने यहां पर पढ़ा हो, न्यूजीलैंड इज अ पार्ट ऑफ आरसीईपी। जो न्यूजीलैंड का डेयरी सेक्टर है ना, वो हमसे बहुत बेहतर है, तो उनका जो सस्ते प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में आते, तो जो हमारा अमूल था ना गाइस, उसका बिजनेस ठप हो जाता। तो डेयरी एरियाज के कंसर्न थे, अमूल के कंसर्न थे कि इसे आउट रखा जाए इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से, क्योंकि उनका प्रोडक्ट आके, न्यूजीलैंड का प्रोडक्ट आके इंडिया में बिकता, सस्ता बिकता, बेटर क्वालिटी बिकती। अगर मान लो क्वालिटी नहीं भी, अगर सस्ता बिक रहा, तो लोग ऑब्वियसली इंडिया में सस्ते की तरफ जाते हैं, वर्ल्ड में भी सस्ते की तरफ ही जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अमूल का बंडा ठप हो जाता। देन उसके बाद क्या है कि अगर कोई कंट्री अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देती है, हमारी मान लो उससे लड़ाई होगी, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट के लिए अपनी जो कंट्री की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी और हमारा माल वहां पे महंगा बिकना शुरू हो गया, या कोई और भी केस होता है, ठीक है, बहुत सारे केसेस होते हैं तो ट्रेड में, तो हम इंपोर्ट ड्यूटीज को बंद कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। ये हम मतलब एक ऑटोमेटिक एक ट्रिगर हो जाना चाहिए इंडिया की तरफ से या किसी भी कंट्री की तरफ से, मतलब इसके भी नॉर्म्स बनाए जाएं कि ऑटोमेटिकली अगर कोई भी ऐसा कंसर्न होता है, कोई और कंट्री कोई गलत स्टेप उठा लेती है, ठीक है, या वो स्टेप उठा लेती है जो इंडिया को पसंद नहीं है, तो जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं, मतलब या तो हम उस कंट्री से इम्पोर्ट करवाना ही बंद कर दें, या हम ड्यूटीज को एंटी डंपिंग ड्यूटीज मान लीजिए हम इतनी रेज कर दें, ठीक है, कि इंडिया में वो चीज उतनी महंगी बिकी ना सके या उतनी सस्ती बिकी ना सके जितना हमारा अपना प्रोडक्ट इंडिया में बिक रहा है, ठीक है, कि हमारी मार्केट खराब ना हो जाए, जो हमारी इंडस्ट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट रिजीम है, ठीक है, उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट डिस्प्यूट मैकेनिज्म चाहिए, ठीक है। अगर आपने सुना हो BIT ट्रीटीज होती है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, तो इसके लिए रिसेंटली इंडिया ने पिछले 3-4 साल में काफी काम किया है कि इसे बहुत स्ट्रिंजेंट बनाया है। और इसमें हम जैसे अब विजय माल्या का केस था, या मतलब एक्सट्रेडिशन के केसेस थे, उसके भी काफी नॉर्म्स लेके आए हैं, ठीक है। देन ई कॉमर्स के रूल्स में एक्सेप्शन मांग रहा था इंडिया, क्योंकि इंडिया में बेसिकली आईटी सर्विसेज से बहुत ज्यादा हमारे पास मतलब रेवेन्यू आता है, राइट। तो ई कॉमर्स में इंडिया ने मांगा कि हमें एक्सेप्शन चाहिए। तो ये भी है बात की FTA जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, उसे कोई गलत तरीके से यूज ना करे। जैसे अब RCEPS में मेजर कंटेंडर गाइस कौन था, अगर आप ध्यान से देखें, द मेजर चेन वुड बी ऑफ चाइना, सॉरी नॉट ऑस्ट्रेल, वुड बी ऑफ चाइना, ठीक है। तो अगर चाइना का जैसे स्टील मार्केट है, चाइना ने वर्ल्ड में अपने स्टील को बिना किसी, चाइना ने अपने इंडस्ट्री से कोई रोकथाम नहीं लगाई हुई, कितना भी स्टील बनाओ और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर दो, तो डंप कर दो, ठीक है। तो ऐसे ही चाइना ने बहुत सारे, मतलब इंडिया को डर था कि हाँ चाइना है जो इस FTA को अब्यूज कर सकता है, या अगर कोई और कंट्री भी करती है, तो मतलब इसके लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म होने चाहिए, स्ट्रिक्ट ओरिजिन नॉर्म्स, कि कहाँ से वो प्रोडक्ट ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होने चाहिए। और जो बेस है टैरिफ का, जो भी मतलब हम ये इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगाते हैं, वो 2014 के बेसिस पे होने चाहिए, 2019 के बेसिस पे वो टैरिफ होने चाहिए। अब ये तो थे इंडिया के कंसर्न, लेकिन असली इंडिया का कंसर्न पता क्या था गाइस, जो ट्रेड बैलेंस था ना बिटवीन आरसीईपी कंट्रीज एंड इंडिया, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट था। एक्सपोर्ट तो हम करीबन कर पा रहे थे अराउंड $60 बिलियन,
लेकिन इंपोर्ट हम कर रहे थे अराउंड 160 बिलियन डॉलर्स, 100 बिलियन डॉलर्स का यहां पे डिफरेंस था, 100 बिलियन डॉलर का डिफरेंस बिटवीन आरसीईपी कंट्रीज, ट्रेड ऑफ ट्रेड बिटवीन आरसीईपी कंट्रीज एंड इंडिया। तो इसलिए भी इंडिया ने ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब ये इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया गया तो इंडिया ने सोचा दैट वी हैव टू ऑप्ट आउट, अदरवाइज मतलब इंडिया की जो सिविक बॉडीज हैं वो वही सड़कों पे उतर आती है और मतलब फिर एक ट्रेड इम्बैलेंस होने की कगार पे था, और ये बात सही भी थी सिविक बॉडीज की। सो दैट्स वाई इंडिया ने आरसीईपी से ऑप्ट आउट किया। अब इंडिया ने ऑप्ट आउट कर लिया, मूविंग बैक टू द आर्टिकल, तो ऑथर कह रहे हैं कि जैसे कि आरसीईपी से अगर ऑप्ट आउट कर ले तो अब बिमस्टेक में इतना ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा जितना सोचा था, अगर आरसीईपी में रहते तो आरसीईपी और बिमस्टेक हमें काफी फायदा दे सकते थे। जैसे कि अब आरसीईपी में देखो म्यांमार और थाईलैंड आरसीईपी में भी है, आई थिंक सो, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, म्यांमार एंड थाईलैंड आर पार्ट ऑफ आरसीईपी एज वेल एज बिमस्टेक, तो ये कंट्रीज हमें फायदा पहुंचा सकती थी, बट वी हैव ऑप्टेड आउट due to our concerns which I've just explained। तो अब क्या है कि BIMSTEC को एक credible और prefer alternative देखना, BIMSTEC को एक credible और preferred alternative देखना as compared to SAARC is not right current situation में। तो author कह रहे हैं कि हमें दोनों का साथ चाहिए, SAARC भी चाहिए और BIMSTEC भी चाहिए, ठीक है। और इसमें एक और important बात कही गई कि अगर हम पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की वजह से SAARC को मतलब इतना तवज्जो नहीं दे रहे, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो SCO में क्या होगा, SCO में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि शांघाई कोऑपरेशन एसोसिएशन में गाइस अगर आप ये वाला, मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ अगर आप ये वाला चैनल देखें तो दिस इज SCO, ओके। तो SCO में गाइज इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, तो उस रीजनल फोरम, वो भी एक रीजनल फोरम है जिसमें चाइना भी है, और चाइना का ही बेसिकली शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना इज हैज अ हैवी हैंड ऑन दिस, तो उस एरिया में क्या होगा, वहां पे इंडिया कुछ बोलेगा पाकिस्तान कुछ बोलेगा, तो अगेन वहां पे भी एक डिलेमेटिक सिचुएशन या कॉन्ट्राडिक्टरी पोजिशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए We should not undermine SAARC. We should revive SAARC. अब वो कैसे करते हैं? That we'll see on in future. ठीक है? तो अब इसमें way forward की बात की गई guys. अब way forward actually है क्या? कि actually हमें way forward किस संदर्भ में सोचना चाहिए? कि मान लीजिए हमारा एक subcontinent है. ठीक है? मैं आपको चार से समझाता हूँ, ज़्यादा better समझाएगा. कि ये सारा actually में, हाँ ये सारा जो है, ये पूरा चार्ट है, ये हमारा एक सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो मान लीजिए हम इंडिया है जो, वो पाकिस्तान के साथ नहीं जा रहा, ठीक है, तो हमने SAARC को बैकड्रॉप पे कर दिया, बट व्हाट चाइना विल डू, थर्ड पार्टी क्या इसका फायदा उठा रही है, चाइना अफगानिस्तान में भी प्रोजेक्ट्स कर रही है, पाकिस्तान में भी कर रही है, चाइना हैज सम, चाइना ने नेपाल के साथ, भूटान के साथ, भूटान ने नहीं गया उसके साथ, उसके प्रोजेक्ट के साथ, लेकिन जो अदर कंट्रीज हैं दे आर आल्सो गोइंग विद चाइना, कुछ ना कुछ चाइना का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हर कंट्री में बढ़ता जा रहा है, राइट। जो अब चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसको OBOR वन बेल्ट वन रोड कहते थे या सिल्क रूट कहते थे, ठीक है, तो उसके बेसिस में उसमें लगभग लगभग सारी कंट्रीज धीरे 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 किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के रहते शामिल हो रही है, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना ने हमारे रीजनल एरिया में पाकिस्तान में की है, दैट इज सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक्चुअली POK से होके जाता है, वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन, ठीक है। तो इसलिए अब चाइना ने जब इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो हमें कहीं ना कहीं रादर देन ओनली थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान, वी शुड ऑल्सो थिंक जो चाइना है वो अपनी इन रोड बना रहा है इन आर नेबरिंग कंट्रीज इन द होल सब कॉन्टिनेंट, ओके, तो उसको भी टैकल करना के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हमें SAARC को रिवाइव करना चाहिए रादर देन गोइंग फॉर SCO एंड ऑल। और उसके बाद BIMSTEC भी अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर रहा, दोनों तरफ से बात हो गई ना कि SAARC को अगर हमने बिल्कुल ही खत्म करना है, मान लो एक तरफ से, ठीक है, तो हम नहीं कर सकते उसे खत्म, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसका इम्पैक्ट चाइना उसका फायदा उठाएगा, सेकेंड
कि बिम्स्टेक प्रॉपर एक्सपेक्टेशन को होल्ड अप नहीं कर पा रहा, ठीक है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो चाइना ने इतनी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कर देनी है हमारे सब कॉन्टिनेंट में कि कल को अगर कोई इशू होता है इंडिया वर्सेस चाइना तो अदर कंट्रीज विल नॉट ओपनली सपोर्ट इंडिया। वाई? बिकॉज दे हैव देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट विच हैव बीन क्रिएटेड बाय चाइना, ठीक है। तो इसलिए इंडिया की जो इंडिया का जो रोल है सब कॉन्टिनेंट में वो और इरोड होता जा रहा है, तो इसको संभालना भी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन अभी एक ही मिला है कि हमें सार्क को मतलब डिमोट नहीं करना चाहिए, वी शुड अगेन रिवाइव सार्क एंड प्रमोट इट एज अ रीजनल कोऑपरेशन एसोसिएशन। एंड एक और बात इसमें है कि हमें पाकिस्तान के साथ इतनी हॉस्टिलिटीज भी क्रिएट नहीं करनी ताकि वो ओपन हॉस्टिलिटीज में कन्वर्ट हो जाए कि ओपनली चल रहा है कि हाँ जी इंडिया पाकिस्तान तो बिल्कुल ही कभी मिल ही नहीं सकते। आज ही ये कंडीशन है कि हाँ रिवाइवल बहुत मुश्किल है, ठीक है, और नियर फ्यूचर में नहीं दिख रहा, पर ओपन हॉस्टिलिटी नहीं चाहिए। सेकेंडली अगर ओपन हॉस्टिलिटी हो भी जाती है तो वट तो सोल्यूशन क्या है वर्ल्ड के पास? तो कोई थर्ड कंट्री आके मीडिएट करना चाहेगी, जैसे अभी रिसेंटली हमने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि वो इंडिया पाकिस्तान के इशू में इन्वॉल्व हों, और हम इंडिया ने कहा ऑलवेज इंडिया का एक स्टैंड है फ्रॉम सिंस शिमला एग्रीमेंट कि इट्स अ बायलैटरल इशू, ठीक है। तो जो थर्ड कंट्री है ना वो ऐसे ही नहीं इन्वॉल्व होती किसी दो कंट्रीज के इशू में, वो ऑलवेज उनका कोई ना कोई फायदा छिपा होता है जो वो दोनों से या किसी एक से हल करवाना चाहती होती है वो थर्ड कंट्री। ऑब्वियसली थर्ड पार्टी वॉन्ट्स सम बेनिफिट आउट ऑफ इट, किसी ना किसी की लड़ाई में किसी ना किसी का फायदा होता है, ठीक है, ये वही बात है। और जैसे कि अब मैंने पहले बताया गाइस सार्क में है जो उसमें अफगानिस्तान है, चलो मान लो पाकिस्तान की तो बात हो गई, जो उसका वेस्टर्न नेबर है, ठीक है, हमारा जो हमारा भी इंटरेस्ट है, हम अशरफ गनी की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, काबुल में। लेकिन जो एक पीस प्रोसेस अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इन्वॉल्व होके शुरुआत की है वहां पे कि हमने अपनी आर्मी वापस लेनी है, और अफगानिस्तान में जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है उनकी गवर्नमेंट में कुछ तालिबान के स्पॉन्सर तालिबान भी के भी जो रिप्रेजेंटेटिव वो भी शामिल होंगे, एंड तालिबान अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल तालिबान इज स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, ठीक है। तो हमें उस एरिया में मतलब कि अफगानिस्तान को भी किसी ना किसी एंगल से सपोर्ट करना है, एक सपोर्टिव हैंड देना जो कि बिम्स्टेक में इन्वॉल्व नहीं है बट अफगानिस्तान इज पार्ट ऑफ सार्क, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू रिवाइव सार्क। तो एक कंट्री की बात नहीं है, ओनली पाकिस्तान की बात नहीं है, हमने चाइना को भी हैंडल करना है, थर्ड पार्टीज को भी हैंडल करना है, और अफगानिस्तान को भी सपोर्ट करना है, ठीक है। सो इसलिए हमें सार्क को रिवाइव करना चाहिए, दिस इज द बेसिक आर्टिकल, ठीक है। और एक और बात है कि जैसे अगर हम इसके ऊपर की बात सोचें रादर देन गोइंग फॉर जियोपॉलिटिक्स, ओवरऑल सोचें तो ओवरऑल ये बात है कि एक तो क्लाइमेट चेंज है जो, ठीक है, सॉरी ओवर दिस, एक क्लाइमेट चेंज है, हिमालयन ग्लेशियर की मेल्टिंग है, सी लेवल राइज हो रहे हैं, ठीक है। तो एक रीजनल कोऑपरेशन से ही ये सारा कुछ सॉल्व किया जा सकता है, ऐसे नहीं कि अकेला अकेला कंट्रीज को सॉल्व करेगा, एक रीजनल कोऑपरेशन अगर मतलब रिवाइव होती है प्रॉपर चलती है तो उससे हम इसको प्रॉपरली डील कर सकते हैं इन इश्यूज को, ठीक है। और जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो एक इकोलॉजिकली इंटीग्रेटेड एंटिटी है कि मतलब जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ के जो एनिमल्स हैं दे क्रॉस बॉर्डर्स विद चाइना, ठीक है, और मतलब बांग्लादेश, तो एक इकोलॉजिकल इंटीग्रेटेड एंटिटी है, ठीक है। हिमालय सिर्फ इंडिया इंडिया में नहीं है, हिमालय पैन्स आउट मतलब चाइना में भी बहुत ऊपर तक है, ठीक है। एंड देन हमें एक कोलैबोरेटिव रिस्पांस चाहिए कि जो सारी कंट्रीज मिलके एक फोरम पे काम कर सके, ठीक है। तो ये आर्टिकल था, तो इसमें मैंने जैसे हमने शुरू किया था आर्टिकल कि एसए का फॉर्डर बहुत ज़्यादा फॉर्डर है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में क्या क्या चैलेंजेस हैं, मेंस में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा फॉर्म हो सकता है, या बिम्स्टेक और सार्क के क्या इशूज हैं, शुड वी गो विद बिम्स्टेक रादर देन सार्क, सो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। सो नो वी शुड रिवाइव सार्क, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ रीजनल फोरम, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन देखिए, बात करते करते क्वेश्चन भी बन गया दैट शुड इंडिया गो विद बिम्स्टेक रादर देन
SAARC. Right guys, so this is also a question. ठीक है, तो इसमें obviously the answer is no, but the thought process is premature. Okay, तो SAARC का क्या revival है, SAARC को अब SAARC country को मतलब इंडिया ने दोबारा call किया for COVID-19, तो disaster diplomatic opportunity यहाँ पे है. So this is the overall article guys, जिसमें हमने BIMSTEC, SAARC, RCEP, SCO, ठीक है, और इंडिया के क्या concerns हैं RCEP के साथ, हमने क्यों opt out किया, और SAARC versus BIMSTEC के बारे में हमने discuss किया, और हमें किस तरह से way forward लेना चाहिए, ये सारा कुछ मैंने इस article में relate करने की कोशिश की है, mains का एक question form करके आपको बताया, you can respond with your answers in the comment section below, ठीक है, and I think ये जो article है, इस तरह के जो articles हैं, give you great fodder for essay, so अपने notes बनाइए, and all the best for your exams. Thank you.